नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने 17 सूत्रीय एक मांग पत्र जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष बी आर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती वर्ष 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्ति कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए और नई पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्वोत्तर निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने 173 मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजे जा रहे हैं पेंशनर्स की समस्याओं के संबंध में। संयुक्त पेंशनर समिति के हम सभी पदाधिकारी यहाँ आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और जो पेंशनर्स की विभिन्न समस्याएं बहुत दिन से लंबित चली आ रही हैं उनके संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की समस्याएं हैं? सबसे पहले तो हमारी जो समस्या है वो अपने पेंशन वृद्धि की है कि 60 साल के बाद 65, 70, 75 पर 5-10% 15% का बढ़ोतरी दी जाए जैसे कि और प्रदेशों में हो गई है। दूसरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो हमें कम्यूटेशन पेंशन से जो हमारी राशि का धनराशि काटी जाती है वो अब 15 वर्ष में पूरी काट रहे हैं लेकिन वो 12 वर्ष में पूरी हो जाती है। हमारी डिमांड है कि वो 12 वर्ष में काटी जाए, 12 वर्ष तक ही काटी जाए, आगे न काटी जाए। तीसरे केंद्रीय कर्मचारी तरह अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों में नियुक्ति कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। जो अब नई पेंशन योजना है वो ठीक नहीं है और जो पुरानी पेंशन योजना है उसका लाभ लागू किया जाए। पेंशनर्स को विधवा पुत्र वधू को भी आश्रित मानते हुए चिकित्सा सुविधा और पेंशन की सुविधा दी जाए। टोटल आप लोगों की कितनी मांगे? टोटल मांगे हमारी करीब जो है 17 हैं। अगर मान लीजिए 17 मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो उसके बाद का क्या? उसके बाद हमारी केंद्रीय समिति निर्णय लेगी कि हमें आगे क्या आंदोलन करना है और क्या पहले भी आंदोलन और वो लगातार चलेंगे जब तक नहीं मिल जाती है। ये तो एक संगठनों का वो है कि जब तक नहीं कोई मांग पूरी होती है आंदोलन चलते रहेंगे और निश्चित ही पीछे भी ऐसा होता रहा है। कुछ मांगे मान ली जाती हैं, कुछ आगे चली जाती हैं और बाद में सब धीरे धीरे पूरी होती हैं तो हम निश्चित ही हम आगे जब नहीं होगी तो अपने आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे।